लोगों को बता दें कि इस मंदिर का निर्माण। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं एक प्राचीन शिव मंदिर जो कि कैथा गांव में स्थित है और इसका काफ़ी नाम है। और आप लोग को बता दें कि यह 2006-07 में इसको राष्ट्र धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। तो आज की वीडियो में उसी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और उनके बारे में कुछ अहम जानकारियाँ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोग के साथ है रोशन और सूरज, इन लोग भी साथ में चलेगा। तो चलिए आप चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, अगर आप भी आना चाहते हैं यह मंदिर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यह रामगढ़ टाउन से लगभग 3 किलोमीटर दूर कैथा गांव में स्थित है। और आप लोगों को बता दें कि यह रामगढ़ बोकारो मार्ग नेशनल हाईवे संख्या 23 के किनारे पर ही है, वहीं से आप लोगों को यह मंदिर दिख जाएगा। तो आप आ सकते हैं। तो फाइनली गाइस, हम मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं, अब चलिए इंटर करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सीढ़ी है। लेफ्ट साइड है वो चढ़ने के लिए है और राइट साइड आप लोग को दिखेगा वो उतरने के लिए है। तो चलिए हम आप लोग को वहाँ पर चढ़ते हैं और मंदिर के विशेषता के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो चलिए मंदिर की ओर चढ़ते हैं। गाइस, आप लोगों को बता दें कि इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज्य के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। और आप लोग को बता दें कि इस मंदिर का निर्माण उस समय करवाया गया था जब रामगढ़ को नई राजधानी बनाया गया था। तो गाइस, आप लोगों को बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। और आप लोगों को ये भी बता दें कि आज से लगभग 350 साल पुरानी हो चुकी है। तो गाइस, आप लोगों को बता दें कि इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है वह सुर्खी और चूना से हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। और आप लोग को बता दें कि ये ईंट जो है इसमें पतले ईंटों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं इसी कारण है कि यह मंदिर इतने सालों तक टिका हुआ। तो गाइस, अगर आप में से किसी का भी कान बहता हो और कहीं पर ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार यहाँ पर आके जरूर ट्राई करें। लोगों का मानना है कि जो शिवलिंग में ढलते हैं पानी वह बहकर यहाँ पर गिरता है और यहाँ से जो पानी कान में लेने पर कान का बहना ठीक हो जाता है। तो अगर आप भी कहीं पर ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर आए यहाँ पर, इस पानी को अपने कान में डालने पर जरूर ठीक हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को बता दें कि मंदिर के टॉप पर एक बजरंगबली का एक प्रतिमा है और लोगों का मानना है कि यह मंदिर 24 घंटे में ही बनकर तैयार हो चुकी थी। तो गाइस, चलिए आप चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं भगवान शिव से। तो चलिए।
तो चलिए आप चलते हैं मंदिर के चारों तरफ के साइड का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए ये है NH23 रोड जो कि बोकारो तरफ जाती है। और ये रहा पुजारी का रूम, जो पुजारी है वो यहीं पर रहता है। तो गाइस ऊपर में एक्सप्लोर किया हुआ हो गया है और अब चलते हैं नीचे की ओर और वहाँ की एक राज है आप लोग को वहाँ के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप नीचे की ओर उतरते हैं। तो गाइस हम नीचे उतर चुके हैं और अब नीचे एक्सप्लोर करने वाला हूं और आप लोग को बता दें कि यहां एक गुफा है उसी को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और उसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए गुफा की ओर। तो गाइस यही है गुफा। आप लोग को बता दें कि यह जो गुफा है वह बगल के तालाब से जुड़ा हुआ था और लोगों का कहना है कि जो दलेल सिंह की रानी थी और राजा थे वो यही गुफा से स्नान करने के लिए जाते थे। देख सकते हैं जो कि अब भर चुका है, अंधेरा है लाइट नहीं होने के कारण। तो गाइस ऊपर की तरह सेम ही नीचे की तरह डिजाइन किया हुआ है आप देख सकते हैं। और चलिए आप चारों ओर आप लोग को घुमा के लाता हूँ। ये रहा देख सकते हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में है। आप लोग को बता दें कि ये राष्ट्र धरोहर घोषित हो चुका है लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टीला है और लोगों का मानना है कि हर शिवरात्रि में यहाँ पर नाग देवता निकलते हैं। और चलिए चलते हैं अब और आगे की ओर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग हर तरफ का लगभग एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब चलिए बाहर की ओर निकलते हैं मंदिर से। तो गाइस ये रहा बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखता है, चारों तरफ पेड़ लगाया हुआ है, देख सकते हैं पूरा ऊपर। चलिए आप चारों ओर एक्सप्लोर करके आप लोग को दिखाते हैं कैसा दृश्य है। तो गाइस अंदर में पूजा करने के बाद एक बाहर में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर पूजा किया जाता है। आप लोगों को दिखाते हैं सिनेमैटिक वीडियो के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले झारखंड से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।